भारतीय संचार निगम लिमिटेड में यूनियन की मान्यता को लेकर हुए 8वें सदस्यता सत्यापन चुनाव में उज्जैन में BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने 75 मत प्राप्त कर बड़ी जीत दर्ज की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने उज्जैन BSNL कार्यालय में जीत का जश्न मनाया। BSNL के चुनाव में देश भर की 18 यूनियनें चुनाव मैदान में थी। उज्जैन में 3 यूनियनों BSNL एम्प्लॉयज यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के मध्य मुकाबला था, जिसमें BSNL एम्प्लॉयज यूनियन को 212 में से सर्वाधिक 159 मत प्राप्त हुए। देवास गेट स्थित कार्यालय में प्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई। लगभग 11 बजे सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला के द्वारा विजेता यूनियन की घोषणा की गई। घोषणा के पश्चात विजेता BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों द्वारा जोरदार जश्न मनाकर पूरे कार्यालय में मिष्ठान वितरण किया गया। जीत के बाद मान्यता प्राप्त यूनियन के जिला सचिव मनोज शर्मा ने कहा कि यूनियन की यह जीत BSNL को बचाने के लिए संघर्षों और कर्मचारियों के हितों में किए गए कार्यों की जीत है। भविष्य में भी BSNL को पीछे धकेलने वाली नीतियों का विरोध जारी रहेगा तथा सरकार और प्रबंधन से BSNL को 4G स्पेक्ट्रम द्वारा प्रदान करने तथा सेवाओं के विस्तार हेतु ऋण लेने पर लगाई गई रोक हटाने के लिए यूनियन विशेष प्रयास करेगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। चुनाव बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन ने यूनियन प्रतिनिधि ने सहयोग दिया, उसके कारण बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो गया। लगभग कितनी यूनियन ने हिस्सा लिया है यहाँ पर उज्जैन जिले में? उज्जैन जिले में 3 यूनियन ने हिस्सा लिया था। कितने कितने वोट मिले हैं? जो प्रमुख यूनियन जिसको BSNLU को वोट मिले वो 159 है, और NFT को 34 मिले, और BTU को 13 मिले। BSNL के अंदर 8वें मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें BSNL के अंदर उज्जैन में 212 वोट गिरे। 212 वोट के अंदर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने 75% से अधिक मत हासिल करते हुए 159 वोट प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी एक जीत है। अन्य जो यूनियनें थी जो मुकाबले में थी उनको मात्र 34 और क्रमशः 13 वोट उनको प्राप्त हुए हैं और 6 वोट अन्य में गए हैं। इस तरीके से रहा है पूरा चुनाव। आगे यूनियन कर्मचारी इसमें क्या काम करेंगे? BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का शुरू से यह ध्येय रहा है कि BSNL जो एक 100% सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है, इसका अस्तित्व बनाए रखें, कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करते रहें। वो सरकार की वे नीतियां जो BSNL को पीछे धकेल के जियो को बढ़ावा देने की रही है, उसका हम लगातार विरोध अभी तक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या नाम है? मनोज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लोक निर्माण एवं पर्यावरण तथा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंगलवार को उज्जैन प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां भर्ती मूक बधिर छात्राओं का हालचाल पूछा। मंत्री वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को छात्राओं की विशेष देखभाल कर उन्हें उचित उपचार दिए जाने के निर्देश भी दिए। ज्ञात हो कि मौसम परिवर्तन के कारण मंगलवार की सुबह शासकीय पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास की मूक बधिर छात्राओं को उल्टी दस्त और पेट दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाकर तुरंत उपचार प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सभी छात्राओं के हालात सामान्य हैं और निरंतर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। प्रभारी मंत्री वर्मा ने सभी छात्राओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर शशांक मिश्र को निर्देश दिए कि छात्रावास में जो भी कमियां हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर मौजूद रहे। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। लेक्चर
हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उसमें क्या सुधारीकरण हो सकता है, मतलब तत्काल एक्शन लिया जाएगा। हमें पंचायत का रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाएगी एक आध दिन में कोई बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेशन व्यवसाय नहीं है, जो भी कमियाँ हों उसको तत्काल सुधारने का काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के धार जिले की पीथमपुर तहसील में आज बुधवार 18 सितंबर सुबह 10:30 बजे छत्र छाया कॉलोनी स्थित राम रामेश्वर मंदिर से भागवत कथा हेतु कलश यात्रा निकली, जो छत्र छाया कॉलोनी होते हुए मुख्य मार्ग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल पहुंची, जहां आज से भागवत कथा प्रारंभ होकर 24 सितंबर तक चलेगी। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा भागवत मर्मज्ञ परम श्रद्धेय श्री शिवम बापूजी द्वारा बुधवार से 24 सितंबर 2019 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कम्युनिटी हॉल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1 पीथमपुर में होगी। सभी गणमान्य श्रोता कलश यात्रा में चल रहे थे। कलश यात्रा में ऊंट बग्गी डीजे और एक बालिका लक्ष्मी बाई बनकर चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर नगर में विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा जी की जयंती समाज के लोगों ने बड़ी धूमधाम से निकाली। इस चल समारोह में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। चल समारोह विश्वकर्मा मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड पहुंचा, वहां पर नगर परिषद के पार्षदों ने भव्य स्वागत किया। वहां से चल समारोह वापस मंदिर आया, यहां पर समाज जनों ने प्रसादी ग्रहण करी। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राजगढ़ जिले में बना तालाब अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस गांव में बने तालाब के कारण पिछले 2 माह से घरों के फर्श, दीवारों और गांव की सड़कों पर से लगातार पानी निकल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील का झरनिया गांव, जहां तालाब लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 300 लोगों की जनसंख्या वाले झरनिया गांव में तालाब इसी साल 2019 में बना है, पर जब से ये तालाब का पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना है। ग्रामीणों की माने तो इस गांव के हर घर में फर्श व दीवारों से पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों का घर में रहना, सोना, खाना पीना तक मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से इस गांव के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। कई लोग पानी के कारण गांव छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं और जो लोग गांव में रह रहे हैं वो पानी की नमी की वजह से बीमार हो रहे हैं। घरों से निकल रहे पानी की वजह से गांव के घरों की नींव भी कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। तालाब की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ घरों बल्कि गांव की सड़कों से भी पानी निकल रहा है। गांव के जिस स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के कमरे के फर्श ने भी पानी की वजह से धंसना शुरू कर दिया है।
पानी की वजह से स्कूल के फर्श और दीवार के बीच दरार दिखने लगी है। पानी की वजह से पूरे गांव के घरों में सिर्फ पानी और कीचड़ दिखाई दे रहा है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हेमराज कौन से गांव के हो? ग्राम जरनिया का। कितने लोग रहते हैं यहाँ? 300। 300 लोग रहते हैं। कितने मकान हैं यहाँ? 50 परिवार का मकान है सर। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ? डैम बनने से बहुत मुसीबत आ रही है, धन को मन को बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ बीमार हो रहा है पानी से, ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है पानी से? क्या हो रहा है पानी से? मतलब मकान बैठ रहा है, मकान डल रहा है, मकानों में पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पानी? डैम से आ रहा है सर। सबके नहीं आ रहा है, पूरा गाँव में डैम। तो यहाँ पे क्या जलन वरन चल रही है? हाँ सर, जलन चलती है यहाँ। मतलब पानी बहुत आता है, रोटियाँ खाने का भी बहुत मुसीबत हो रहा है यहाँ इस गाँव में। पानी का आगे सर आप ही मर जाओ, आप ही एक दिन देर के देखो। माने का सर दन एरिया 2 महीने हो गए माए। एक दिन हो तो जब गया खाड़े, दो दिन हो तो जब गया खाड़े, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने जैसा दन उगी हो जैसा ही मतलब कुछ दिया रात दिन पानी में जो ये मैं तो दन बंद रही हो कहाँ लेकर नहीं पाता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के SP प्रदीप शर्मा ने आज अनूठी पहल करते हुए राजगढ़ के गौ सेवकों का सम्मान किया है। SP ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में राजगढ़ नगर में गौ सेवा और घायल गायों की देखरेख और उपचार करने वाले गौ सेवकों को पुष्प हारों और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर SP प्रदीप शर्मा ने घायल गायों के उपचार की सामग्री, मरहम पट्टी, टिंचर गौ सेवकों को दी। इस मौके पर पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, SDOP RS दंडोतिया और TI मौजूद थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा SP सर ने सहयोग करा और हम लोगों को गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ाया और उसमें हम सभी लोगों ने सहयोग करा। बहुत अच्छा काम लगा गौ सेवा करके और हम सभी से ही कहना चाहेंगे कि गौ सेवा करना चाहिए, एक अच्छा कार्य है, दिल को सुकून मिलता है। और उन लोगों से भी कहना चाहेंगे जिन लोगों ने जो गौ माता पाली हुई है, सड़कों पर छोड़ रखी है, कृपया करके उन्हें अपने घर वापस से बांधें ताकि ये जो समस्या है मतलब गायों की जो समस्या बनी हुई है दिन रात, जो हमारी गाय माता सड़कों पर घायल होती है तो उसमें थोड़ी कम वृद्धि होगी, आप उसे इस धीरे धीरे करके रोका जा सकता है। जितना हमसे बनता है गौ सेवकों से उतना हम लोग कर रहे हैं। करने वालों को पुलिस विभाग पुरस्कृत करे, इससे अधिक प्रसन्नता की बात कोई हो नहीं सकती। और गौ सेवा के मामले में तो ये सेवा की पराकाष्ठा है। जो लोग गौ सेवा करते हैं इस जमाने में आज के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे गौ सेवक बच्चों को, नौजवान लड़कों को अगर SP साहब ने पुरस्कृत किया है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करते रहना चाहिए ताकि अच्छे काम करने में वो उत्साहित रहें। ये राजगढ़ जिले के कुछ नवयुवक लड़के हैं जिनका काफ़ी एनर्जी है। पिछले कई दिनों से हम लोग भी नोटिस कर रहे थे कि जहाँ पर भी गौवंश के साथ कहीं कोई दुर्घटना हो जाती थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था या अन्यथा भी उनको कोई बीमारी होती थी, तो ये लड़के बिना निस्वार्थ भाव के, बिल्कुल निस्वार्थ भाव के उनकी सेवा करते थे। हम सभी ने इसको नोटिस किया है, जनसामान्य ने भी इनको नोटिस किया है और इनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए आज पूरे पुलिस महकमे ने सोचा, हमारे SDOP साहब जो राजगढ़ दंडोतिया साहब हैं और थाना प्रभारी कोतवाली, इन्होंने अपनी तरफ से इनको सम्मानित करने का फैसला लिया, क्योंकि इनके निस्वार्थ भाव को देखकर कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अगर हम सभी इस तरह से सेवा करें तो इसमें यातायात भी बाधित नहीं होगा, सड़क पे जो दुर्घटनाएं हैं वो भी नहीं होगी और गौवंश को जो भारी बारिश की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें उससे भी कहीं ना कहीं हम इनको निजात दिला पाएंगे। आज हमने इनकी एक ही डिमांड थी हमसे, वो ये था कि अगर हम अपनी तरफ से इनको कुछ टिंचर और मलहम और पट्टियाँ हम इनको उपलब्ध करा सकें, तो हम लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट करके इनको गौ सेवा के लिए मलहम पट्टी वगैरह भी अवेलेबल करवाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दिग्विजय सिंह ने हिंदू संत समाज को बदनाम करने वाले बयान को लेकर BJP विधायक एवं पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा
कि जो व्यक्ति जाकिर नाइक जैसे आतंकी के साथ मंच साझा करे और उसे शांति दूत बताए, ऐसा व्यक्ति तो ऐसे लोगों के प्रवक्ता के रूप में ही काम करेगा। संत समाज से अपील है कि दिग्विजय सिंह का विरोध करे, उन्हें किसी भी मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जनक है हिंदू समाज, संत समाज और भगवा को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है और ये उनकी फितरत रही है। जो व्यक्ति जाकिर नायक जैसे आतंकवादियों के मंच को साझा कर उनको शांति दूत कहता हो, वो तो जाकिर नायक की बोली को ही बोलेगा। उनके प्रवक्ता के रूप में हिंदू समाज को बदनाम करने की दिग्विजय सिंह ने कोशिश की है। भगवा आतंकवाद जैसे उपाधियों से इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम करना ये दिग्विजय सिंह की आदत रही है। वो जिस वंश के हैं उस वंश की ये परंपरा नहीं रही। निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है और मैं संत समाज से अपील करूंगा कि उन्होंने आज भगवे का अपमान किया है, संत समाज का अपमान किया है। संत समाज को चाहिए कि उनका बहिष्कार करे और किसी भी मंदिर में दिग्विजय सिंह जैसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को घुसने का अब अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं सभी मंदिर प्रशासन से, सभी मंदिर से जुड़े हुए संतों से ये अपील करता हूं कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को अब किसी भी देश के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मेनगांव थाने के अंतर्गत पिपराटा गांव में पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। थाना प्रभारी सुरेश महाले ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मेनगांव पुलिस को एक बच्चे की कुएं में गिरने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस द्वारा जांच कर मामले को गंभीरता से लेते हुए जब बच्चे के मामा से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बच्चे की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका मामा सचिन पिता धनराज कोहली ही निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपी सचिन की बहन द्वारा उसकी पत्नी को मायके भेज दिया था। इस बात से गुस्सा होकर आरोपी द्वारा अपनी बहन से बदला लेने की नीयत से अपने ही 8 वर्ष के सगे भांजे को कुएं में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना के बाद पछतावा करने वाले आरोपी सचिन का कहना है कि शराब के नशे और गुस्से में मुझसे ये काम हुआ है, जिससे मुझे बहुत पछतावा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस दिन खा पी लिया था तो बीवी चले गई थी और मैं क्या खा पीने के बाद क्या फिर ध्यान नहीं दिया मैंने और घर का गुस्सा मैंने बच्चे पे उतार दिया, बाकी कहीं और जाके उसको कुएं में गिरा दिया। क्या लगता है? बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरा एक ही भंजा था और एक ही बहन थी। बस तो क्या माने नशे की हालत जो हाँ सर, मेरे सब क्या गलती हुई उस समय मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में बहुत महसूस हो रहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और भी सचिन है, इसका इसकी बहन जो सोनम बरोड़ ने दी हुई, उसका मान कार्यक्रम गणेश मंदिर खरगोन में होने के कारण उसकी बहन और उसकी पत्नी लक्ष्मी जो कि 5-6 महीने से रुकी हुई थी, बरोड़ आए थे, बरोड़ से भी यहाँ पे आए थे 9 तारीख को बच्चे को तोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डीजे साउंड के कंपटीशन के चलते 2 डीजे संचालकों में आपस में जमकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर धारदार हथियार और डंडे चले। इस हमले में 2 पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कल रात को भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। शहर के रामेश्वर टॉकीज के पास हुई घटना बताई जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मारा
हुआ कितने तीनों की रात में भी झगड़ा हुआ था। हाँ। रात में भी पुलिस आई की चार गाड़ी भर के। हाँ। समझा समझू जे थे गाड़ी। हाँ। उन्होंने दुकान खोली था अचानक आके अकेले पे हमला कर। कितने लोग थे? कम से कम 10-12। काहे से मारा? लोहे के पाइप, लेस बार, ग्लास, लोहे की सरिया। ये तो बैठे थे बेचारे सीधे। हाँ, क्या हाँ। उनको एकदम आके मारे तो वो एकदम घायल होगा, लोगों ने उठा के अस्पताल लेगा। बस वो यहाँ बैठे थे तीन चार लोग जो जिनको मारे हैं। हाँ। वो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये मैं इनको गिरा को गिरा, ये भी यही खड़ा हुआ। हाँ। लट ले गए और आते से ही मारना चालू कर दिया डायरेक्ट। हाँ। जो जिसके हाथ में था वो मारने लग गए। क्या क्या था हथियार हाथ में? डंडा, टेबल। क्या सर फोड़ दिए? सर फोड़ा एक। अनवर के बुरे की हालत गंभीर है। कितने लोगों को मारा? आज तक जन को मारा, चार पांच जन है। चार पांच जन तो दो चार। हमारी दुकान के ऊपर बैठे थे वो एकदम वही विश्वा गाड़ी लेकर आए और जो है कि आके हमको जो है मारना चालू करे। इसमें जो है कि मोहसिन और असलम भाई के सिर में जो है कि ज़्यादा चोट है। इनके पास हथियार भी थे, ब्लड होंगे भी थे और उन्होंने जो है कि आगे जो है कोई बातचीत नहीं करी और आगे जो है कि हमको मारना चालू करे। क्या विवाद क्या था कुछ मालूम? विवाद वो कुछ विवाद की रात की बात थी, वो बात पे उन्होंने इतना बड़ा जो है कि वो करा। कौन लोग थे ये मानने? सवाब भी जवाब। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें चार लोग। क्या न्यू भारत वाले? न्यू भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के देवास जिले में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासकीय मॉडल स्कूल बागली में बागली विकास खंड के हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिससे वह अपने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जीवन कौशल से जुड़ी हुई शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के तरीके भी बता सके। इसके लिए मॉडल स्कूल बागली में नोडल अधिकारी रामकिशन खराड़ी के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रेम नारायण पाटीदार, श्रीमती सरोज जौहरी, श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल से 2-2 शिक्षकों को जीवन कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और क्या? सर, ये जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित है। इसमें शिक्षकों को जीवन कौशल जो बच्चों में पाए जाते हैं उनको उभारना है और उन बच्चों को उनकी जो नकारात्मक सोच या दृष्टिकोण है उसको सकारात्मकता में बदलना और उनको ऊर्जावान बनाते हुए उनके उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली मुख्यालय पर स्थित मॉडल स्कूल में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं छात्र छात्राओं द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। स्कूल द्वारा 551 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें लगभग 300 पौधे का रोपण स्कूल परिसर में किया जा चुका है। वहीं सभी स्टाफ एवं छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए पौधों की देखभाल व सुरक्षा का जिम्मा भी लिया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। पौधारोपण किया गया है तो क्या उद्देश्य और कितने पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे? सर, यहाँ पर इस कैंपस में एक भी बड़ा वृक्ष नहीं है और हमारा 501 पौधे लगाने का और 501 वृक्ष बड़े लक्ष्य है। आज हमने माननीय विधायक महोदय के करकमलों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। हरियाली महोत्सव समापन हो रहा है कि हमने 15 अगस्त से शुरू किया था यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
मध्य प्रदेश के चाचौड़ा थाना प्रभारी राम शर्मा ने छात्र छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाएं। वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य रूप से लगाएं एवं कक्षा 12वीं के छात्रों से फिजिक्स विषय पर चर्चा की एवं बर्नौली थ्योरम समझाई। छात्रों को हिदायत दी, गुरुओं का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें, अनुशासन में रहे। चौकी प्रभारी राज बिहारी शर्मा ने बताया कि व्हाट्सएप फेसबुक का उपयोग कम करें, पढ़ाई में मन लगाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें एवं किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 100 नंबर पर कॉल करें एवं छात्राओं के लिए 1090 पर कॉल करें। श्री कृष्ण मेमोरियल स्कूल के संचालक श्री चंद्र कुमार यादव जी ने छात्रों को बताया कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करें। अगर छात्रों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो आगे भविष्य में उनको नौकरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि नौकरी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। श्री कृष्ण मेमोरियल स्कूल के समस्त स्टाफ उपस्थित थे। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। आपस में कोई बात हुई, आपस में लड़ भिड़ लिए और वहीं आपस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ, आप लोगों पर कोई मामला पंजीबद्ध हुआ, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, तो फिर आगे आप नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, अमित आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें और दूसरे लोगों में जो अशिक्षित लोग हैं उनमें और हमें फिर अंतर क्या हुआ है? लेकिन किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है, चरित्र खराब होने से मतलब खराब तो पहले ही हो चुका है, तभी तो उसने लड़ाई की। अब चूंकि लड़ाई की तो कागजों पर चरित्र खराब हो गया, कागजों पर चरित्र खराब हुआ उसका असर क्या रहेगा? बड़े होशियार छात्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर अमोल है लड़ाई करने का, मार्गदर्शन दिया है, इस मार्गदर्शन को अपने में आत्मसात करें कि हम भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे हमारा करियर गांव का रहे। यानी कोई भी वाकई पुलिस कोई भी जॉब आप करने जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में विश्वकर्मा पूजन दिवस पर विश्वकर्मा समाज जनों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर भगवान श्री विश्वकर्मा जी का यशोगान किया और समाज के बुजुर्ग का सम्मान भी किया। खरगोन विश्वकर्मा पूजन दिवस पर कुंदा तट स्थित साईं मंदिर परिसर से विश्वकर्मा युवा संगठन के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान विश्व के शिल्पकार, विश्व के आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी का यशोगान किया गया। साईं मंदिर में हवन पूजन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सोनखेड़ी, रेगवा, कसरावत, बीड़, प्रेमनगर, गोगावा, बिस्टान और आसपास के गांवों के समाजजनों ने उपस्थिति दर्ज की और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शोभा यात्रा के बाद मंडी में विश्वकर्मा युवा संगठन के द्वारा समाज के बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। भगवान श्री विश्वकर्मा जी की समाज जनों ने पूजा अर्चना की और प्रसादी और अपने प्रतिष्ठानों पर यंत्रों की भी पूजा की। SW24 न्यूज के लिए अमित शेख की रिपोर्ट।